और वेलकम टू टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के वीकेंड के बाद में आए कार्तिक आर्यन और हो गए पूरे तरीके से प्रियंका चार चौधरी के दीवाने। जी हाँ, खबर है कि अब एकता कपूर के बाद कार्तिक आर्यन ने खोले हैं प्रियंका चाहर चौधरी के लिए बॉलीवुड के दरवाजे। जी हाँ, आखिर क्या है ये पूरी खबर और क्या कुछ कहा है कार्तिक आर्यन ने बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी के लिए, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। बट बिफोर दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीवी का पटाखा। वेल दोस्तों, कार्तिक आर्यन हाल ही में वीकेंड के वार के दौरान पहुंचे थे बिग बॉस के घर के अंदर अपनी फिल्म शहजादा को करने के लिए प्रमोट, और ऐसे में उन्होंने सभी कॉन्टेस्टेंट्स के साथ अलग अलग मूवी का एक सीन किया और यहां पे प्रियंका के साथ उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक पार्ट किया, जिसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़की के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, रोमांस, इन सभी इमोशंस को बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है। और इन सभी में प्रियंका की एक्टिंग ने, प्रियंका की खूबसूरती ने और उनके एक्सप्रेशंस ने कार्तिक आर्यन का दिल जीत लिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब कार्तिक आर्यन पूरा का पूरा सेगमेंट कंप्लीट करके बिग बॉस के घर के बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स को लेकर कई सारे सवाल पूछे और ऐसे में उन्होंने प्रियंका चाहर चौधरी के बारे में काफी कुछ कहा। जी हाँ, आर्यन ने पूरे तरीके से प्रियंका चाहर चौधरी के तारीफों के पुल बांध दिए और ये कहा कि प्रियंका सबसे बेहतरीन है। प्रियंका के लुक्स में ही ऐसी बात है कि आप दूर से देखकर बता सकते हो कि इस लड़की में कुछ तो बात है। ये लड़की आउटस्टैंड करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के बेसिस पे, और साथ ही साथ मैंने उसके साथ एक सीक्वेंस भी किया और मैं बहुत खुश हूंगा अगर मैं इसके साथ बॉलीवुड में एक फिल्म कर पाऊँ। वेल दोस्तों, क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।